अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट 3 स्ट्रक्चर्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे जो एम और पर्पस से संबंध रखता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते कैसे हैं। वो सेंटेंसेस हैं किस तरह के, जो पहला प्रकार है एम एंड पर्पस का, वो ये है। ये 3 सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास कर सके, तुरंत प्रस्थान करो ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको, इसे लिख लो ताकि तुम इसे भूल ना जाओ। फ्रेंड्स, इन 3 सेंटेंसेस को आपने देखा, ये 3 सेंटेंस एम और पर्पस से संबंध रखते हैं। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो आइए हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप बाहर निकल सकते हैं। बट अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी किया कीजिए अगर पसंद आए तो, और कमेंट भी किया कीजिए अगर कोई सवाल हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो हम इन सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। जो पहले तरह के सेंटेंस हैं जो मैंने आपको कहा था उनमें से, तो पहला सेंटेंस है वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास कर सके। ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे पास। दूसरा तरीका है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। हम यहाँ पर सो दैट लगाकर भी बना सकते हैं और सिर्फ दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है ही वर्क्स हार्ड लिस्ट ही शुड बी पास। जब हम लिस्ट लगाते हैं तो फिर बाद वाला सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है वो शुड से बनता है, उसमें फिर हम शुड बी लगाकर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि ट्रेन पकड़ सको। स्टार्ट एट वंस दैट यू मे कैच द ट्रेन। सेकंड जो तरीका है स्टार्ट एट वंस सो दैट यू मे कैच द ट्रेन। जो तीसरा तरीका है स्टार्ट एट वंस लिस्ट यू शुड कैच द ट्रेन। तीसरा सेंटेंस है इसे लिख लो ताकि तुम इसे भूल ना जाओ। नोट इट डाउन लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट, या नोट इट डाउन सो दैट यू मे नॉट फॉरगेट इट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 सेंटेंसेस जो आपने देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल काफ़ी होता है, इसलिए इनका तरीका आपने देख लिया होगा। हर सेंटेंस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपको तरीका सही लगता है, जो भी आपको सहूलियत होता है बोलने में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट 3 का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला कौन सा लाइन इस्तेमाल करे। तो अभी हम देखते हैं दूसरे तरह के सेंटेंसेस जो एम और पर्पस से संबंध रखते हैं। वह यूं ही भटका फिरता है, वह यूं ही गेंद मार रहा है, तुम यूं ही बोल रहे हो, मैं यूं ही बैठा हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक एक करके बनाते जाते हैं। पहला सेंटेंस है वह यूं ही भटका करता है, ही वंडर्स अबाउट विदाउट एनी एम्स, या ही वंडर्स अबाउट एमलेसली। हम दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। वह यूं ही गेंद मार रहा है, ही इज किकिंग द बॉल एट रैंडम, या ही इज किकिंग द बॉल
without any aims. He is kicking the ball about aimlessly. तुम यो ही बोल रहे हो. You are speaking aimlessly. You are speaking without any aim. मैं यो ही बैठा हूँ. I am sitting aimlessly. I am sitting without any aims. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. जैसे वो यो ही मुझे देख रहा है, मतलब यहाँ पर हम विदाउट एनी एम भी लिख सकते हैं और aimlessly भी लिख सकते हैं. He is looking at me aimlessly. He is looking at me without any aim. Okay friends, अभी हम देखते हैं तीसरे तरह का सेंटेंसेस. तो ये रहे तीनों सेंटेंस. ये तीनों सेंटेंस है, गिरे हुए दूध के लिए रोना बेकार है, खोई हुई चीज़ के लिए उदास होना बेकार है, उसका इंतज़ार करना बेकार है. तो पहला सेंटेंस है, गिरे हुए दूध के लिए रोना बेकार है. इट इज़ नॉट यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. दूसरा सेंटेंस है, खोई हुई चीज़ के लिए उदास होना बेकार है. इट इज़ नॉट यूज टू बी सैड ओवर लॉस्ट थिंग. तीसरा सेंटेंस है, उसका इंतज़ार करना बेकार है. इट इज़ नॉट यूज वेटिंग फॉर हिम. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद रखना. और एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना या डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसको बार बार देखना तब तक जब तक कि आपको तीनों स्ट्रक्चर्स समझ में ना आ जाए. क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपने कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते ही रहते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी होता है. ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए. और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहे. तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट, धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना.